चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड ऑफ एरर्स वी हैव, हमने ये मेंशन किया था कि लास्ट 20 साल के पेपर्स हैं और इसमें एसएससी के अंदर आए हुए सारे क्वेश्चंस हैं जो ग्रामर एरर की बात करते हैं, फ्रेजल वर्ब की बात करते हैं। हमने सेंटेंस नंबर 1 लिया था, हमने मेंशन करा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो एसएससी सीजीएल फर्स्ट सिटिंग 2012 में आया था, सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड्स टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। हमने कहा था कि सॉर्डिड का अर्थ होता है घिनौना, बेकार, खराब, बदतमीज। सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड्स टू विटिएट द पब्लिक टेस्ट। विटिएट का अर्थ होता है पॉजिटिव मैनर में, उसको नेगेटिव नहीं लिया जाता है। डिस्ट्रैक्ट का अर्थ होता है नेगेटिव वोश में चीजें लेना। जब भी ये बात कही जाती है कि सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड्स टू डैश डैश द पब्लिक टेस्ट, ये रिप्रेजेंट करता है गलत या फिर नॉनसेंस। सॉर्डिड एंड सेंसेशनल बुक्स टेंड्स टू डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक टेस्ट, डिस्ट्रैक्ट द पब्लिक टेस्ट ऐसा आएगा। अगला है, बाय स्टडिंग एड्स हैज इन एंगेज्ड मैनी रिसर्चर इन द लास्ट डिकेड्स। यहां बाय स्टडिंग नहीं आएगा, द स्टडी ऑफ आएगा, क्योंकि द स्टडी ऑफ एड्स हैज ऐसा, ये नाउन है और बाय स्टडिंग जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पैसिव वर्शन को, जो यहां पे नहीं आना चाहिए था। अगला हमारे पास है 20 sentences इन वन वीडियो लेंगे हम लोग, 20 sentences पहले कर चुके हैं, ऐसे करते करते 10 videos बनेंगे, हम 200 sentences टोटल लेंगे। His master's thesis was highly estimated and is how being prepared for publications. तो लिखा हुआ है, His master's thesis was highly estimated and is now being prepared for publication. Was highly discussed, was highly commended, is highly praised, many other things. तो different different version में questions यहाँ पे, his master's thesis was highly estimated. Estimate करना था limit बनाना है, estimate करना, limit में चीजें रखना। लेकिन यहाँ पे जो representation है वो ये है कि किसी particular इंसान के thesis को, उसकी values को कमेंड किया गया है। अब कमेंडेड क्या होता है उसके ऊपर पहले आते हैं, व्हाट यू मीन बाय कमेंडेड फर्स्ट। अगर हम फटाफट से इन चीजों के ऊपर आएंगे कि इनके वर्जन क्या, इनका मतलब क्या है, कमेंडेड का क्या होता है, लर्निंग या फिर प्रेज मूवमेंट। जब भी हम किसी पर्टिकुलर इंसान के उसके आइडियाज किसी वैल्यूज की प्रेज करते हैं उसे कहा जाता है कमेंडेड। इसलिए यहाँ पे वॉज हाईली एस्टिमेटेड नहीं आएगा, वॉज हाईली कमेंडेड आएगा। तो ये वोकैबुलरी है सारी की सारी, ग्रामर के अंदर ये एरर तो है लेकिन ये ग्रामर में एरर ऑफ वोकैबुलरी है। His master's thesis was highly estimated and is now being prepared for publication, ऐसा नहीं आएगा। आंसर would be his master's thesis was highly commended, माने praised, and then other thing. नेक्स्ट हमारे पास है, no sooner had she realized her blunder than she began to take corrective measures. हमें जानते हैं कि यहाँ पे नो सूनर का यूज हुआ है और नो सूनर जो है उसके साथ हमेशा यूज होता है देन, देन का यूज नहीं होता है, वैन का यूज नहीं होता है। तो यहाँ पे टेकिंग लिखा हुआ है, यहाँ पे टू टेक लिखा हुआ है, तो आपकी मर्जी, जो मर्जी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। नो सूनर हैड शी रियलाइज हर ब्लंडर देन, तो यहाँ पे जो गलती होगी वो सिर्फ यहाँ पे ये होगी, बाकी सारा सही है, माने इस सेंटेंस में कोई इंप्रूवमेंट नहीं चाहिए। No sooner had she realized her blunder than she began to take corrective measures. यहाँ पे यूज नहीं होगा तो वो है किसी भी चीज का, पूरा सेंटेंस ही सही है। A good scholar must be precise in possessive originality. A good scholar must be precise. अब देख सवाल सीधे से है, precise है, adjective है। कई बार मैंने कहा है कि error different तरीके से होते हैं। A good scholar must be precise. Precise एक adjective है, तो आगे explain मत करो, आगे भी एक ही शब्द में, एक ही word में explain करो। क्या लिखा हुआ है? A scholar must be precise and original. Simple सी कहानी है। Must be precise and original. ये sentence सही है। ये हमने ये कहा था कि sentences should be हमने ये बात कही थी कि sentences should be on the basis of sentences should be on the basis of या तो adjective के basis के ऊपर होना चाहिए। Simple सवाल है,
कि ये ऑन द बेसिस ऑफ एडजेक्टिव है, एक शब्द यहां है तो एक शब्द यहां होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है 26। It took her a long time to get past her failure in the medical examination. In the medical examination, it took her a long time to get past her failure in the medical examination. The sentence we have 26. It took her a long time to get past her failure in the medical examination. यहाँ पे जो ये get है, get के साथ में over का use होगा, क्योंकि गेट ओवर रिप्रेजेंट करता है किसी चीज का ओवरकम करना, वापस आना। गेट ओवर हमेशा फ्रेजल वर्ब जो है वो गेट ओवर है। गेट ओवर माने बैक ऑफ करना, बैकअप करना, वापस लाना चीजों को, इज कॉल्ड गेट ओवर। 27 वी हैव द बॉय वांटेड टू आस्क हिज फादर फॉर मनी बट वेटेड फॉर अ प्रोपीटियस ओकेजन। प्रोपीटियस ओकेजन होता है सक्सेसफुल ओकेजन, सक्सेसफुल सक्सेसफुल ओकेजन मतलब ये होता है कि फादर जो है, लड़के ने फादर से पैसे मांगे और उसने जो है एक एक कहा कि एक ऐसी चीज करो पहले जिसके लिए तुम्हें पैसे मैं दूं, कोई सक्सेसफुल काम करो, अच्छा काम करो। तो ये इसमें कोई एरर नहीं है। प्रोपिटियस होता है सक्सेसफुल, एक ऐसी चीज जो सक्सेसफुल को रिप्रेजेंट करती है उसे कहते हैं प्रोस्पिटियस। I did not agree with him. He prepared to be so boycotted for me to conquer. देखिए boycott क्या होता है? Boycott होता है कट्टर इंसान। Boycott होता है कट्टर इंसान। जैसे कोई इंसान मानता है कि हिंदू धर्म सबसे बेहतर है और धर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं। कोई मुस्लिम है वो मानता है कि बस जो उसके धर्म में लिखा है वही सही है। कोई क्रिश्चियंस मानता है, कोई जैनिज्म अपने धर्म को बहुत मानता है, तो कहते हैं हम कट्टर। सो का यूज होता है पॉजिटिव के लिए और टू का यूज होता है नेगेटिविटी के लिए। टू माने गलत है, ये नहीं होना चाहिए। कट्टरपंथी गलत को रिप्रेजेंट करती है, इसके साथ में हमेशा टू का रिप्रेजेंटेशन या टू का यूज होना चाहिए था। टू माने बहुत ज्यादा नेगेटिव सेंस में, इसलिए यहां पे आना चाहिए था आई डिड नॉट एग्री विद हिम ही अपीयर टू बी टू बॉयकॉटेड फॉर मी टू कंकर, ऐसे यूज होना चाहिए था। अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। एज सून एज She noticed the workmen. She asked them what they have been doing. अब यहाँ पे as soon as have done, had been done ऐसे आना चाहिए। यहाँ पे noticed का use है। Notice जो है वो represent करता है verb की second form को। माने notice represent करता है past को। अगर यहाँ पे notice आया है जो past को represent करता है, तो यहाँ पे भी past का use होना चाहिए। यहाँ पे been है, तो यहां पे भी पास का यूज होना चाहिए। यहां पे हैड बीन का यूज होना चाहिए। हैड बीन, हैव बीन नहीं, हैड बीन। नेक्स्ट हमारे पास है ही वाज असलीप बिफोर द मदर टर्न्ड हिम ऑफ। टक्ड हिम ऑफ वाले, टक्ड हिम, टक इन। तो यहां पे टक ऑफ नहीं होगा, यहां पे टक इन या टक अप होगा। टक इन या फिर टक अप। टकिन या टकअप का अर्थ क्या होता है? जब हम लोग सोते हैं तो सोते समय हमारा जो बिस्तर टक करके जाते हैं, जिसके अंदर हम घुसते हैं, कंबल है हमारे या कुछ चद्दर है, वो जब वो डिजाइन करके जाते हैं, बना करके जाते हैं, जिसमें हम घुसते हैं, तो माने कहा गया हुआ है कि बच्चा जो था वो सो गया था माँ के पहले। माँ ने अभी बिस्तर बनाया नहीं था, टकिन नहीं किया था, उससे पहले बच्चा सो गया था। तो टक ऑफ नहीं होता है, टक इन होता है, माने बनाना उसको, बिस्तर बनाना सोने से पहले। टकिन कहते हैं उसे। बहुत ही बेहतरीन है, सब इंस्पेक्टर से लेके बड़े बड़े एग्जामिनेशंस में ये पूछी जा चुकी हैं, इसलिए इनको खासो खास तौर पर अंडरस्टैंड कीजिएगा। हिज लाइफ इज हैंगिंग विद। हैंगिंग विद नहीं होता है, हैंगिंग बाय होता है। हैंग के साथ में हमेशा बाय का यूज होता है, एक लटकती चीज को दिखाने के लिए हैंग्ड बाय कहा जाता है, हैंग्ड विद नहीं कहा जाता। सो यहाँ पे फ्रेजल वर्ब का यूज होगा हैंग बाय। His life was hanged by a thread. After 20 years of exile, the prisoner was in the end of his tether. In the end नहीं होता है, at the end होता है। Exact चीज को दिखाने के लिए at का use होता है। Next हमारे पास है, grandfather is often so tired that he drops in his armchair. Drops in।
अंडरस्टैंड करना ड्रॉप इन क्या होता है। ड्रॉप इन का अर्थ होता है एक ऐसी चीज पे रुकना या जाना या ठहरना जो किसी इमोशन लेस होती है। माने कोई इंसान है जो हट फिर के अपनी चेयर पे बैठ जाता है, उसे ड्रॉप इन कहते हैं। ड्रॉप इन का अर्थ होता है कि कोई इंसान थका हारा जब वहीं बैठ जाता है, बार बार इसी चीज पे बैठना थक हार के, उसे ड्रॉप इन कहा जाता है। ड्रॉप इन, तो इस सेंटेंस के अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं करनी पड़ेगी, ड्रॉप इन सही है। स्लाइड्स अवे नहीं है, फॉल्स आउट नहीं है, स्लिप्स ही नहीं है, ड्रॉप इन ही होता है। लिखा हुआ है ग्रैंडफादर इज ऑफन सो टायर्ड। आमतौर पे जो ग्रैंडफादर है वो टायर्ड होते हैं और वो आम चेयर पे जाके रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं हमेशा। द कोर्ट वॉज फोर्स टू रिस्पेक्ट द प्रोफंडिटी ऑफ द लर्न जजेस नॉलेज। प्रोफंडिटी, अब ये प्रोफंडिटी, प्रोबिटी, प्रोक्सिमिटी, नो इंप्रूवमेंट। प्रोफंड क्या होता है? प्रोफंड होता है नॉलेज। 34th क्वेश्चन हमारे पास है। प्रोफंड का अर्थ होता है, अंडरस्टैंड कीजिए, डीप नॉलेज, लर्निंग, नॉलेज। जब यहां पे नॉलेज का जिक्र है तो आप जानते हैं कि यहां पे नॉलेज की ही बात की गई है। द कोर्ट वॉज फोर्स टू रिस्पेक्ट, कोर्ट को रिस्पेक्ट करनी पड़ी क्योंकि वो जज के नॉलेज अकॉर्डिंग बात चल रही थी वहां पे। यहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं चल। He has lost his nearly all many pets. ये SSC में कई बार पूछा गया है और बहुत difficult. He has lost his nearly all many pets. आएगा He has lost all his nearly many pets. A. He has lost all his nearly many pets. ऐसे sentence बनना चाहिए था। His पहले, nearly पहले नहीं आएगा। He has lost All his nearly many pets. ऐसे सेंटेंस बनना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव। यू शैल हैव अटेंडेड इफ द कोर्ट हैड इंस्ट्रक्टेड यू टू डू सो वुड हैव। क्योंकि यहां पे यूज हुआ है इंस्ट्रक्टेड का। इंस्ट्रक्टेड रिप्रेजेंट करता है वर्ब की सेकंड फॉर्म को, माने पास्ट को। हैड का यूज साथ में हुआ है, हैड का यूज हुआ है, तो यहां पे भी हैड का यूज होना चाहिए पहले, या वुड का यूज होना चाहिए यहां पे। यहाँ पे would attend, would have नहीं आएगा, would had ये वहां वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पे ए आंसर सही हो, यहाँ पे had का यूज होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारे पास है द रिलिक्स ऑफ ग्रीस ओवर विच सच अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस हैज बीन कलेक्टेड शुड बी प्रिजर्व। इट इज बिकॉज ऑफ रीजन कि यहाँ पे द रिलिक्स ऑफ ग्रीस कहा गया है, कोई एक थ्योरम कही गई थी, बात का जिक्र यहाँ पे हुआ है। ओवर विच नहीं आएगा, फ्रॉम विच आएगा, जिसमें से, From which such a great deal, तो किसी बात में से कोई dream या deal of evidence निकाला गया है, तो किसी में से from which the relics of Greece, from which such a great deal of evidence has been collected should be preserved. Very very, जो ये कर जाएगा पुलिस वाला बन जाएगा, सीधी सी कहानी। When the beverage was ready, they drank possibly as much as they could. When the beverage, question number 38 we have. Likha hua hai. When the beverage was ready, they drank possibly as much as they could. To ab possibly as much as they could aayega. As much as they possibly could, aise aayega. To understand karna ki as much as they could, aise nahi aayega. As much as they possibly could. Possibly they could nahi, they possibly could. Kyunki pehle use hota hai hamesha noun. या प्रनाउन का या एडजेक्टिव का, तो आना चाहिए। When the beverage was ready, they drank as much as they possibly could. उतना पिया जितना वो पी सकते थे। Question number 39 we have. A citizen is expected to give allegiance to his country of origin. इसमें allegiance जो होता है उसका अर्थ भी ये होता है loyalty. तो आप allegiance लिखें या loyalty लिखें, इन दोनों के मतलब सेम ही है। Allegiance. तो आप इसके प्लेस पे आप लॉयलिटी भी लिख सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ पे इनके एलिजेंस जो होता है वो लॉयलिटी का ही हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे बैटल शब्द जो आएगा वो लॉयलिटी लिखा जाना चाहिए। अ सिटीजन इज एक्सपेक्टेड टू गिव हिज लॉयलिटी टू हिज कंट्री ऑफ ऑरिजिन। लॉयलिटी, एलिगेंस भी राइट आंसर, वो दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ SSC डीप क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये सही है, तो आंसर है लॉयलिटी इज मोर सुइटेबल। वी वर विद बैगर्स Drawn despite attempts to understand each other. Options दिए हुए हैं हमें in, on, at. Understand करना, जब भी ये कहा जाता है कि दो लोग
टू पीपल्स या पीपल्स आर एट डैगर्स विद ईच अदर। डैगर्स का अर्थ होता है कोई लोग अगर डैगर्स विद ईच अदर है, इसका अर्थ होता है कि वो एक दूसरे से नाराज है, एक दूसरे से लड़े बैठे हैं, नाराज हैं, खफा हैं, कुछ भी है। एट डैगर माने एंग्री विद ईच अदर, एंग्री विद ईच अदर, एंग्री विद ईच अदर। सो वी वर विद डैगर्स माने एट डैगर्स, विद डैगर्स नहीं आएगा, एट डैगर्स आएगा, एडियम्स है। एट डैगर्स का अर्थ होता है एंग्री विद ईच अदर। सो वी वर एंग्री विद ईच अदर डिस्पाइट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड ईच अदर। एक दूसरे को समझने से अलग हम क्या थे, एक दूसरे से नाराज थे, तो हमने एक दूसरे को समझा नहीं और हम एक दूसरे से नाराज थे। इसका सेंटेंस ये था, 40 सेंटेंसेस हमने कवर किए हैं। हर दिन आने वाले इस पूरे वीक के अंदर 20-20 सेंटेंसेस डाले जाएंगे, 218 के आसपास सेंटेंसेस हैं। शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, बनना है पुलिस वाला तो सब्सक्राइब करें शिवाना आईएएस एकेडमी का यूट्यूब चैनल। 110% 16 के 16 क्वेश्चन ला के रखेंगे आपको पुलिस कांस्टेबल के अंदर। जो जो वीडियोस शिवाना आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पड़ी हुई हैं, करीबन 40 के आसपास वीडियोस होंगी, वेरी वेरी श्योर उन 40 वीडियो से ही एग्जाम क्रैक कर सकते हैं आप लोग। आज ही सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके सारी वीडियोस देखें, डाटा डलवा के 15 डेज 10 डेज हमारे पास बचे हैं और आई एम वेरी श्योर ये हेल्पफुल आपके लिए रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब शिवाना आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।